हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि ईरानियन प्रेसिडेंट और उनके फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो अजरबैजान स्टेट से वापसी आते हुए उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, जिसके चलते उनकी और उनके समेत जितने भी तमाम लोग हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, फॉरेन मिनिस्टर, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्पिरिचुअल लीडर और जो गवर्नर थे अजरबैजान, ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस के, उनकी भी। अच्छा दोस्तों, ये जो डेथ हुई है, एक अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, इसके चलते सबसे पहले तो ये देखा जाएगा ईरान के अंदर के जो इस वक्त के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है ईरान के, मोहम्मद मॉकबेर, उनको एज एन इंटरिम प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया जाएगा एज पर द आर्टिकल 131 ऑफ ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हैं ये अगले 50 डेज के अंदर जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। अच्छा, जो ये ईरानियन प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं ना, ये दोस्तों कोई इतना खास चेंज नहीं लाएंगे ईरानियन पॉलिसी के अंदर, क्योंकि अगेन जो गार्डियन कमेटी है इनकी, जो सुप्रीम कमेटी है, वो एक हार्ड लाइनर ही अप्रोच रखेंगी और जो आएंगे उनको सपोर्ट लाजमी चाहिए होगी जो सुप्रीम लीडर है उनकी, जो गार्डियन काउंसिल है उसकी, तो पॉलिसीज में तो कोई खास इतना फर्क आएगा नहीं। अच्छा, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग कोई रीजंस की बात करें, काफ़ी लोग कंस्पायरेसी थ्योरीज बना रहे हैं कि मोसद इन्वॉल्व है, यूएस इन्वॉल्व है, कुछ लोगों ने तो बकायदा कुछ लिस्ट शेयर की हुई है कि जी 1940s से अब तक इतने इतने लोग जो हैं जहाज क्रैशेज में मारे गए। मेरे हिसाब में अगर इस अनफॉर्चुनेट इवेंट की कॉज की तरफ जाया जाए तो मैं तो उसे कहूंगा कि एक वो टेक्निकल खराबी थी। वो ये कि जिस हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ है वो था यूएस बेल 212 हेलीकॉप्टर। अच्छा, ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये 1979 की जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आई थी उससे भी पहले लिए गए थे अमेरिका से, जो उस वक्त के रजा शाह पहलवी की डायनेस्टी थी, जो उनकी गवर्नमेंट थी वो चलाती थी। अब आपको पता है और हमें भी पता है कि पिछले तकरीबन डेकेड्स से जो है सेंक्शंस लगी हुई है ईरान पर, जिसकी वजह से ईरान कोई नए जो जहाज हैं वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहा, इवन वो उनके पार्ट्स भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा जिनसे वो उन्हें अपग्रेड कर ले। तो जाहिर बात है कोई मैलफंक्शनिंग हुई होगी, कोई इस तरह का कुछ हुआ होगा। मेरे हिसाब में दिस कैन बी द रीजन ऑफ दिस अनफॉर्चुनेट इवेंट। अच्छा, अगर अब हम कुछ हिस्टोरिकल लेगेसी देखें जो ईरानियन प्रेसिडेंट थे इब्राहिम राइसी इनकी, तो ये कह लें जब 1979 के अंदर रेवोल्यूशन आई थी तो ये उसमें एक बड़ा अहम किरदार अदा रखते थे। ये उस वक्त एक स्टूडेंट थे और इन्होंने स्टूडेंट यूनियंस को लीड किया था, जिसके थ्रू इन्होंने बड़ी हेल्प की थी इस ईरानियन रेवोल्यूशन को ओवरटेक करने में, शाह की जो डायनेस्टी थी या उनकी गवर्नमेंट को। उसके बाद 1988 के अंदर देखा जाता है कि इन्हें जुडिशरी जो है उसमें अपॉइंट किया जाता है, और जो 3 मेंबर का एक कमीशन बनता है 1988 के अंदर, उसमें भी ये होते हैं जिसने तकरीबन 5,000 डिसिडेंट्स को सजाए मौत सुनाई थी। 2022 के अंदर जो कुर्दिश खातून थी महसा आमिनी, उनकी जो डेथ कॉज हुई थी मॉरल पुलिस की वजह से, तो उसके हक में कह लें या खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए थे तो उनके ऊपर भी बड़ी हार्ड लाइन अप्रोच देखी गई थी प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी की, और जो प्रोटेस्टर्स थे उनके खिलाफ बड़ा शदीद किस्म का क्रैकडाउन किया गया था। तो ये थी तो इनकी हिस्टोरिकल हम कह लें कि वो लेगेसी। अच्छा, अगर हम लोग जरा इनका मतलब देखें कि इनका फ्यूचर क्या था, जो मेरे हिसाब में ज्यादा हम लोग कह लें कि कंसर्निंग है रेदर देन द प्रेजेंट, वो ये था कि ये नेक्स्ट सक्सेसर थे जो इस वक्त सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनाई उनके, इस वजह से ये जो है ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि अभी तो कोई भी खास फर्क नहीं देखा जाएगा पॉलिसी चेंज के अंदर। जो अब नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएंगे वो भी तकरीबन इसी तरह हार्ड लाइन अप्रोच ही रखेंगे, लेकिन जो फर्क आ सकता था वो अगर सुप्रीम लीडर, क्योंकि हमें पता है कि ईरान का जो एक सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, उसके अंदर जो टॉप पोजिशन या टॉप हम लोग कह लें कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो रेस्ट करती है विद द सुप्रीम लीडर। तो ये पोटेंशियल सुप्रीम लीडर थे ईरान के नेक्स्ट अली खामिनाई के बाद। अच्छा दोस्तों, अगर हम इम्पैक्ट की बात करें कि इंटरनली ईरान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी की डेथ के बाद, तो सबसे पहले कोई मेरे हिसाब में खास इतना फर्क नहीं आएगा। उसकी रीजन ये है कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास रेस्ट करती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसीज या मैयर्स होते हैं वो, जिसमें गवर्नमेंट हैंडलिंग, ब्यूरोक्रेसी हैंडलिंग, मिनिस्टेरियल जितने भी टास्क होते हैं ये सब होते हैं, और जो खास तौर पर हम लोग कह लें जो चीज इंपॉर्टेंट है जैसे कि फॉरेन पॉलिसी वगैरह, वो रेस्ट करती है विद द सुप्रीम लीडर। और जिस तरह ईरान के नेटवर्क्स हैं, हमें पता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसमें हाउसेस हैं, जिसमें हमास है, हिजबुल्ला है, इस तरह की जितने भी मूवमेंट्स हैं, इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को भी डील करती है IRGC, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। अब हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट हैं इधर इनकी पावर बड़ी लिमिटेड है, क्योंकि इनके ऊपर अल्टीमेटली जो है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामिनाई जो है, अली खामिनाई जो इस वक्त है हेड करते हैं, या टॉप जो अथॉरिटी है वो उनको बिलोंग करती है। अच्छा दोस्तों, अब इसके कंसीक्वेंसेस के अगर हम लोग कोई जियो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन की बात करें, तो वो ये कि हम सबको पता है कि जो प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी थे इनकी बड़ी हार्ड लाइन अप्रोच थी टूवर्ड इसराइल, एंड खासतौर पर ये रशिया के साथ, रशिया को ये मिसाइल्स भी प्रोवाइड कर रहे थे इन इट्स वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। तो जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, अगर तो कोई हार्ड लाइन ही प्रेसिडेंट अब नेक्स्ट इलेक्ट होकर आएंगे तो पॉलिसीज जो हैं वो मोर एंड लेस सेम रहेंगी, वेस्टर्न सेंक्शंस भी रहेंगी, लेकिन जिस तरह अभी इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हसन रूहानी, अगर उस तरह के कोई थोड़े से मॉडरेट या प्रेग्मेटिक
हम लोग कह लें कि प्रेसिडेंट आते हैं तो पॉलिसीज का हमें शिफ्ट देखा जा सकता है, हो सकता है कि जो सैंक्शंस हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएं और उनका जो टिल्ट है टुवर्ड्स वेस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो बनिस्बतन प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी। तो ये हम लोग चेंज जो है विटनेस कर सकते हैं आफ्टर द इलेक्शंस, ये तो अब जब इलेक्शंस होंगे तब ही पता चलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो इसराइल है, इसराइल की स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने आप को सबसे पहले मतलब कह लें बरयुजिमा कर दिया और उन्होंने कहा कि मोसद का या इसराइल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका किसी किस्म का भी किरदार नहीं है इनकी किलिंग में। जो अमेरिकन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने भी यही बात बोली है कि जी हम जो हैं हमने एक बड़ी मतलब गहरी नजर रखी हुई इस इवेंट के ऊपर, इस इंसिडेंट के ऊपर, लेकिन हम लोग जो हैं वो उन्होंने रूल आउट कर दिया किसी भी किस्म की पॉसिबिलिटी कि अमेरिका या इसराइल की इसमें कोई इंटरवेंशन भी मौजूद नहीं और ये एक एक्सीडेंट ही बाहर नजर आ रहा है। अब जाहिर बात है ये तो जब आहिस्ता आहिस्ता जांच पड़ताल होगी तब मजीद बातें खुलकर आएंगी, अभी जिसे कह लें देखा जाए तो ये किसी किस्म की भी कंस्पायरेसी जो है वो नहीं महसूस हो रही। दोस्तों दिस वाज द ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ क्रैश ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑफ प्रेसिडेंट इब्राहिम रायसी और उसके कंसीक्वेंसेस क्या हो सकते थे, उसमें इंप्लीकेशंस क्या आ सकते थे वो मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच।